subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. इस बोझ तले तू अकेला नहीं, मैं भी दबा हुआ। बेशक गुजरे हुए वक्त को कोई वापस नहीं ला सकता। Hold on, my marriage. I'm just going to get married with a girl who is not even from UK, yes. And I don't even know her. यार ये खुल नहीं रहा यार। Bro, अब ये खुलेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसने भी अंकल मुशर्रफ की तरह तुझे रिजेक्ट कर दिया। Dude, why are you acting like kids? Look, who is talking? क्या मतलब? मतलब ये कि जिस जूनी का तू कल तक नाम भी सुनने के लिए तैयार नहीं था, आज तो उसी के लिए मरा जा रहे हो, मुझसे बहस कर रहे हो। बात जोनी की नहीं है यार। बात जोनी की नहीं है तो क्या बात है? In principle, you cheated on me. I cheated on you? Come again? तुझे पता था? क्या पता था? यही कि जोनी कौन है। हाँ, मुझे इतना पता था कि जोनी तेरी कजन है और तू उससे शादी नहीं करना चाहता। ऐसे ही है ना? अगर याद नहीं आ रहा तो इसको सुन ले, शायद तेरी मुश्किल आसान हो जाए। ये सब उलट-पुलट तूने मुझे बोलने के लिए कहा था। हाँ तो ये तो सिर्फ मुझे पता है ना, आवाज भी तेरी है और बोला भी तूने अपनी मर्जी से था। Bro, are you trying to blackmail me? मैं तुझे क्यों करूंगा blackmail? तू कर रहा है ना मुझे? ये एक friendly signal है जिसको तू blackmail। ये कोई friendly signal नहीं है and stop playing games with me, right? मैं तो तुझे सिर्फ ये याद दिलाना चाह रहा था कि ये वही जूनी है जिसके नाम से भी तुझे नफरत है और तू इससे कभी शादी भी नहीं करना चाहता था, बल्कि अंकल मुशर्रफ भी ऐसा कोई खास इरादा नहीं रखते और मेरी प्रोबेबिलिटी के मुताबिक जूनी भी तेरे बारे में कोई खास अच्छी राय नहीं रखती। इसलिए टोटल रिजेक्शन से बेहतर है कि तू इन तमाम मामलों से अपने आप को दूर रख और अपनी इज्जत बचा। Listen, I give a damn about your probability theories. तूने जो करना है कर। Now I'm going to get her. ख्याल अच्छा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जूनी मुझे अच्छी लगी है और उसका और मेरा सीन जो कि तकरीबन ऑन हो चुका है उसके बीच में मत पड़, तुझे मायूसी होगी। तुझे जो करना है कर, अब देखना यह है कि सीन किसका ऑन होता है और किसका ऑफ। तो क्या मैं इसको चैलेंज समझूं? तू जो समझना चाहता है समझ, उसको मैं अब अपना बना के रहूंगा। आई लाइक इट, देखते हैं। क्या कर रहे हो भाई? ये जूनी बीबी ने ओआरएस वाला पानी भेजा है। आप दोनों में से किसी का पेट खराब हो गया? हाँ, दिमाग भी खराब हो गया। वो तो मैं सुन ही चुका हूँ। तुम यहाँ खड़े होके हमारी बातें सुन रहे थे? जाहिर बात है, आप लोग इतना ऊंची ऊंची बोल रहे थे, सारी आवाजें बाहर आ रही थी। शुक्र करें कि मैंने सुन ली है। वैसे आपको एक मशवरा दूं? क्या? ये जो सब आप कर रहे हैं ना, इस सिलसिले में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तुम मेरी मदद क्यों करोगे? क्योंकि आप मुझे अच्छे लगते हैं। मैं सोच रहा था कि जूनी बीबी के साथ आपकी जोड़ी खूब जचेगी। Really? Yes, bro. लेकिन उसके लिए आपको मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? यही कि जूनी बीबी को हासिल करने के बाद आप मुझे अपने साथ लंदन ले जाएंगे। तुम लंदन जाओगे? वादा? ठीक है मैं सोचूंगा, लेकिन मुझे करना क्या पड़ेगा? जूनी बीबी रोज सुबह पार्क में जॉगिंग के लिए जाती हैं। आपको उन्हें कुछ बदतमीज गुंडा टाइप लड़कों से बचाते हुए मार खानी है। गुंडे टाइप लड़के जॉगिंग? मैं क्यों मार खाऊंगा यार? व्हाट इज दिस रबिश? ब्रो, दिस इज पाकिस्तान। यहां पे किसी के करीब आने के लिए उसकी हमदर्दी हासिल करना बहुत जरूरी है और आप उनकी हमदर्दी तभी हासिल कर सकते हैं जब आप उनके सामने उन गुंडों से मार खाएंगे। लेकिन ये सब होगा कैसे? ये सब कुछ आप मुझ पर छोड़ दें। ये गुंडे और इंतजामात मैं कर लूंगा, आप बस मार खाने की तैयारी करें। वो क्या मुझे सचमुच मारेंगे? नहीं 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 नहीं, वो आपके जिस्म के उन हिस्सों पर मारेंगे जहां दर्द कम होता है और देखने वाला ये समझेगा कि ये लड़का तो बस गया। आइडिया अच्छा है, डन करो। डन ही समझें, लेकिन उसके लिए लक्ष्मी की जरूरत है। लक्ष्मी? साउंड्स वेरी इंडियन। वही तो, ये इंडियन ड्रामे देख देख के ना ये लफ मेरे जुबान पर चढ़ गया है। वैसे इस ख्याल को अमली जामा पहनाने के लिए कुछ रकम दरकार होगी। कितनी? 100 से काम चल जाएगा। 100? अभी ले यार, ये तो मेरे पास भी है। क्या मतलब? 100 पौंड ब्रो।
इट्स बाउंड नॉट बॉन्ड। इसीलिए मैं कहता हूं कि मुझे यहां से अपने साथ लंदन ले जाए। इन जाहिलों में रह के मैं पोंड को पोंड कहना भूल गया हूं। व्हाट अप ब्रो? नथिंग मैन। कुछ खास नहीं ब्रो। कुछ तो है बताओ। स्टोरी ब्रो? आप स्टोरियां लिखते हो? लिखता तो नहीं हूं लेकिन अब लिखनी पड़ेगी, लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं है ब्रो। मैं हूं ना, ऐसी स्टोरी दूंगा कि सब क्लियर हो जाएगा। अपने वक्त की तमाम मशहूर फिल्मों की स्टोरियां ब्रो मैं ही लिखता था। अच्छा, फिर तो तुम्हें फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए था, यहाँ क्या कर रहे हो? था ना, फिर फिल्म इंडस्ट्री में बुरा वक्त आ गया, सारे पढ़े लिखे लोग वहां से चले गए, तो मेरा वहां भला क्या काम था, मैं इधर आ गया। वैसे सिचुएशन क्या है जी? सिचुएशन माहौल। सिचुएशन एक लड़की दो लड़के। हुई मतलब एक फूल दो माली? सॉरी मीनिंग वन ब्यूटी टू बीस्ट। एक्सक्यूज मी, आई मीन टू लवर। हाँ कुछ ऐसे ही। लो ब्रो फिर मैं आपको ऐसी ब्रांड न्यू और जीरो मीटर स्टोरी देता हूं कि आप भी याद करोगे। बोलो। एक पार्क है, लड़की जॉगिंग कर रही है, गुंडे उस पर हमला करते हैं, आशिक नंबर वन बचाने जाता है मगर पिटता है। यहीं पे आपकी एंट्री मतलब हीरो की एंट्री होती है। हीरो गुंडों को मारकर भगा देता है, मुड़ के देखता है वहां पे लड़की सहमी खड़ी है, यहीं पे आंखें चार होती है और यहीं पे लड़की दिल दे बैठती। किसको? आपको। ये ब्रांड न्यू स्टोरी है? बिल्कुल नई स्टोरी है, कई साल इस स्टोरी पे बैठा हूं फिर जाके बनी है। कुछ हल्की है? हल्की इंग्लैंड में होगी, पाकिस्तान में सुपर हिट है। लेकिन ये सब होगा कैसे? मैं हूं ना शाहरुख खान। नहीं नहीं मैं हूं ना, आप सब मुझ पर छोड़ दो। I like Shah Prince. Same to you. लेकिन ब्रो इसके लिए थोड़ा सा खर्चा होगा। हाँ डन 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 डन। हाँ जी जनाब। अजी साहब मैं अभी किसी नतीजे पे नहीं पहुंचा, सच्ची बात ना जी, इसमें जल्दबाजी तो करनी नहीं चाहिए, सवाल ही नहीं पैदा जी। आपकी बात बजा है कि इस वैसे लैंड में जमीनों पे ब्लूम आया हुआ है, कॉलोनी डेवलपमेंट करनी चाहिए, लेकिन आप दूसरी तरफ भी तो गौर करें ना। और जनाब ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट्स का खरा सौदा है। हाँ नहीं तो आप मुझे एक हफ्ता दें ना और मैं पीर साईं साहब से मशवरा कर लूँ। और क्या, चलें चार पांच दिन लग जाएंगे, क्या हो गया? अल्लाह खैर ही करेगा, बेहतरी होगी। ओ कभी हमने आपको नुकसान होने दिया? हाँ जी ओके जनाब, खैर अल्लाह। एनी प्रॉब्लम अंकल? यार ये कारोबार के जो मसले होते हैं ना इनमें इंसान उलझा रहता है। अब मेरे पार्टनर जो हैं हाजी साहब वो कह रहे हैं कि इस वक्त जमीन में ब्लूम है, उधर जनाब ली कॉलोनी के डेवलपमेंट के ऊपर रकमें लगाओ। मैं कह रहा हूँ देखो ये जो ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट्स हैं इसमें हुकूमत टैक्स कम कर रही है, ये निरी कैश कैश वाली सूरत है। अंकल अगर आप चाहें ना तो इस सिलसिले में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। हाँ वो कैसे? देखिए मैंने एक प्रोबेबिलिटी सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जो इंसान की पर्सनैलिटी विजन और हालात के मुताबिक उसको फैसला करने में आसानी। जैसे राइट नाउ यू आर इन टू माइंड्स। बिल्कुल बिल्कुल टू माइंड कि ट्रैक्टर के स्पेयर पार्ट्स मंगवाने चाहिए या कॉलोनी डेवलप करनी चाहिए। अब आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट और विजन को सामने रखा जाए तो मेरे सॉफ्टवेयर के मुताबिक आपको कॉलोनी डेवलप करनी चाहिए। हाँ वो क्यों और कैसे? एक सेकेंड अंकल, आपकी पर्सनैलिटी विजन और हिस्ट्री को भी मद्देनजर रखा जाए। वो हिस्ट्री मतलब मैं तारीख की किताबों में आ गया हूँ सिकंदर आजम। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है। वेरी गुड, तो दूसरी प्रोबेबिलिटी के मुताबिक भी आपको कंस्ट्रक्शन बिजनेस ज्यादा सूट करता है। अच्छा हैं वाकई? क्यों ये क्यों कहते हो? मैं आपको आपकी जुबान में समझाता हूँ। वेरी गुड, मेरी जुबान तुमने सुनी नहीं है, चलो खैर। देखिए अंकल फॉर एग्जाम्पल आपके पास
एक एकड़ जमीन है। ना, एक एकड़ से ज्यादा तो ये कोठी बनी हुई है एक एकड़ जमीन की। मैं मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ। आपके पास एक एकड़ जमीन है। मिसाल, यस। आपकी दो बेटियां, टू माइंड्स, दो बेटियां हो गई, टू माइंड्स। उनकी शादी हो जाती है, उनके तीन तीन बच्चे हो जाते हैं। ये तो बड़ी, मेरा माइंड बिल्कुल मतलब बिखर ही गया है माइंड। तो जो एक एकड़ जमीन है, जब छह लोगों में तकसीम होगी तो आपके पास कितनी रह जाएगी? मेरे पास तो कख भी नहीं रहेगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ अंकल, आप उस एक एकड़ जमीन पे आठ घर बनाएं और उनको बेच दें। वेरी गुड। उससे आने वाले पैसों से आप आठ एकड़ जमीन ले लें और उस आठ एकड़ जमीन पे आप एक कॉलोनी बनाएं, उस कॉलोनी को बेच दें और एक दिन आप अपना एक शहर बसा लेंगे और उस शहर का हाकिम होगा पाकिस्तान ना पूरा ले लिया। ठीक है बच्चे, ये बातें जो है ना, ये कंप्यूटर की हद तक, किताबों की हद तक दुरुस्त है, लेकिन जब आप कारोबारी फैसला करते हैं तो कई और चीजों को मद्देनजर रखना पड़ता है। मैं पीर साईं से मुलाकात करूंगा, सिंगल माइंड हो जाऊंगा बस। पीर साईं? और मेरे पीर और मुर्शिद हैं ये, जो आप सब शबे शबा देख रहे हैं, ये दौलत, ये इज्जत, ये उनकी दुआओं का नतीजा है, समझे हो? उनके बगैर मैं कोई अहम फैसला जिंदगी के अंदर नहीं करता। सिरे से वो हैं जो कि मेरा सिंगल माइंड बनाते हैं। लेकिन अंकल ये प्रोबेबिलिटी सॉफ्टवेयर है मेरा। और प्रोबेबिलिटी गई। ओह माय गॉड, दीस टू आर सो वियर्ड। लेकिन है शुगली, तुम्हें कैसे पता? कल शॉन के साथ ही तो गई थी ना मैं मेहंदी पर। पता है, ही इज रियली फनी। पापा ने मना नहीं किया? बाबा ने कहा था कि उनको साथ लेकर जाओ। ओह माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस। सीरियसली, बाबा ने तुम्हें शादी पे जाने दिया वो भी उनके साथ? जी हाँ, और आपको पता है परमिशन मिली उनकी वजह से थी। बाबा ने बोला इनको लेकर जाओ और घुमाओ फिराओ ताकि ये साहबजादे बोर ना हो। अब मेरा काम तो हो गया। कौन सा काम? मेरा थीसिस। जूनी थीसिस? कैसे? सुनो, मुझे थीसिस पाकिस्तानी कल्चर पे बनाना है। और आज से पहले वो क्यों पॉसिबल नहीं था? क्योंकि पाकिस्तानी कल्चर दिखाने के लिए मुझे जिन जगहों पे जाने हैं वहाँ बाबा और मुन्नी आपा तो हरगिज जाने नहीं देंगे। लेकिन अब कंधा उनका, फायर हमारा। यानी उनके साथ होने से हम हर उस जगह जा सकते हैं जहाँ तेरा थीसिस बनना है, राइट? एग्जैक्टली। तेरा शुगल, उनकी सेहत और मेरा थीसिस, सब कुछ। मेरा नाम जूनी है और मैं यहाँ इस वक्त सिनेमा के बाहर हूँ। यहाँ मेरे आने के दो मकसद हैं। पहला मकसद तो जाहिर सी बात ये है कि मैं यहाँ पर एक फिल्म देखने आई हूँ, और दूसरा मकसद ये कि मैं जो कल्चर पर डॉक्यूमेंट्री बना रही हूँ उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकूँ। कैरी ऑन जूनी। हम अपनी पाकिस्तानी फिल्मों में अपने पाकिस्तानी कल्चर को बहुत करीब से जान सकते हैं, और अगर फिल्म पंजाबी हो तो और भी बेहतर बात है। कल्चर के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने मैं यहाँ पर आई हूँ। और पाकिस्तान यार, लाइन में खड़े होने का कोई रिवाज नहीं है। लाइन में खड़े होने के लगोगे तो यहीं खड़े रहोगे, ऐसे टिकट नहीं मिलेगा। चलो हेलो बेगम, यार आप बार बार फोन करके तंग क्यों करते हो? यार एक बार बताया कि मीटिंग में हूँ, तो मीटिंग से फारग होकर आपको कॉल बैक कर लेता हूँ। हर वक्त फोन पे फोन, फोन पे फोन, तुम्हें आराम नहीं आता घर पे बैठने? किसका फोन? वो बैंक वालों का फोन था, उनकी नई इन्वेस्टमेंट स्कीमें आई है ना, उसके बारे में कॉल कर रहे थे। यार आप अपनी फिल्म देखो, हमें काम अपना करने दो।
भैया फिल्म देखने आए, वो काम करो, दूसरों में डिस्टर्ब ना करो। चुप हो जाओ मेरे लाडले, चुप हो जाओ मेरे लाडले, चंदा मामू दूध के आप खाते प्लेट में, हमको देते प्याली में, प्याली गई टूट, चंदा मामू गए रूठ। This is what I wanted. Hey, यहाँ क्या हो रहा है? बिल्डिंग्स बहुत खूबसूरत है, इनकी वीडियो बना रहा हूँ, आपको कोई मसला? मसला इनको नहीं है, मसला मुझे है। मेरे साथ बात कर। ये कौन बोला? गर्दन नीचे करके बात कर, सर उठा के बात करना सिर्फ मेरा हक है। एक्सक्यूज मी, मैं समझा नहीं। सारी बात समझ जाओगे तुम जब तुम मेरा आर्डर मानोगे। एक्सक्यूज मी, ये क्या कह रहे हैं? नवा आया है सोनिया। सॉरी, ये क्या कह रहे हैं? इस शहर में नया आए हो? शट अप अकमल, मेरी बात में तुम दखल करे ये मुझे पसंद नहीं है। सॉरी जोश साहब। सॉरी का बच्चा, नौजवान तुम मूवी फिल्म बना के मेरे उसूलों को सरासर तोड़ रहे हो। Excuse me, what उसूल, क्या बात कर रहे हैं आप? तुम्हारे कान कुछ ज्यादा ही ऊपर नहीं लगे हुए? यहाँ वीडियो फिल्म बनाना मना है। देखिए जी, एक्चुअली मैं हूँ लंदन से। जब वहाँ के लोग यहाँ की बिल्डिंग्स और ये सारी चीजें देखेंगे ना, उनको बहुत अच्छा लगेगा, ट्रस्ट मी। तुम लंदन से आए हो, यहाँ लंदन से आए हो, मेरी बात पत्थर पर लकीर होती है। मैं अपने उसूलों के साथ समझौता करके नहीं जी सकता, ये मेरी मौत है। बंद करो ये वीडियो कैमरा। बंद है। सेक, व्हाट्स अप? वो मैं वीडियो बना रहा था तो इनको लगा कि पता नहीं शायद मना कर रहे हैं ये लोग, चलें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। हमें नहीं पता था बिल्कुल भी कि हाँ कैमरा अलाउड नहीं है, रियली सॉरी। बंद है, बंद है, बंद है। नहीं नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है जी, असल में ये लड़का मेरी पूरी बात समझ नहीं सका। आप लोग हमारे मेहमान हैं, बाहर से आए हुए ना, कोई ऐसी बात नहीं। मैं अपना कीमती वक्त निकाल के आप लोगों के साथ जाऊंगा और वीडियो फिल्म बना के दूंगा सारे एरिया की। थैंक यू। ताकि आप सारी जिंदगी के लिए इसको महफूज कर ले। थैंक यू। अब आए मेरे साथ। चलें जी, चलें जी। लेडीज फर्स्ट, आप मेरे साथ हैं। यहाँ तो सभी जिम कह रही हैं यार। आई स्वेयर। शॉन और जैक मेरे बेस्ट ब्रो हैं, और तुम्हें क्या पता ब्रो, मेरे जिगरी दोस्त हैं, हम इकट्ठे ही बड़े हुए हैं। क्या दिन थे, इकट्ठे खाना पीना घूमना फिरना, आय क्या दिन थे वो। लेकिन वो तुझसे तो बहुत छोटे हैं। है नहीं, सिर्फ लगते हैं, और ये सिर्फ मौसम और खुराक की बातें हैं। फ्रेश फूड, ठंडा मौसम, इंसान वैसे यंग लगता है, और अगर तू भी वहाँ चला जाए ना तो दरअसल छोटा ही लगेगा। लेकिन तू वहाँ जाएगा कैसे, ये एक मुश्किल काम है। तेरे दोस्त किसी खास काम से आए लगते हैं। हाँ भाई, काम तो खास ही है। क्या? वो दरअसल मुझे लेने आए हैं। तू किधर जा रहा है? लंदन जा रहा हूँ। वो क्या है, इंग्लैंड का नाम सुना है? नहीं। उफ, किन जहलों में बैठा हूँ। और इंग्लिस्तान तो सुना है ना? हाँ हाँ, मैंने पांचवी जमात में कायद आजम पर मजमून पढ़ा था, उसमें लिखा था कि वो आला तरीम के लिए इंग्लिस्तान चले गए। ओए हाँ हाँ, जाहिलो, वो इंग्लिस्तान लंदन का ही शहर है। ओए होए होए, अरशद सुना है, वो तो बड़ा ही पढ़ा लिखा शहर है। जाहिर है, मैं किसी मामूली जगह थोड़ी जाऊंगा। यार बात सुनो, बहुत बोरियत नहीं होगी, कुछ गेम हो जाए। यू मीन स्पोर्ट्स? यस। व्हाट यू गाइस प्ले? एवरी स्पोर्ट। यू गाइस मस्ट बी किडिंग, है ना? लिसन, यू टेल अस, व्हाट डू यू वांट टू प्ले? क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल। देन नो ब्रो, जरा टफ हो जाएगा, नॉट मेड फॉर दीस देसी गर्ल्स। ऑलराइट ऑलराइट, इट्स डन, वी आर प्लेइंग वॉलीबॉल। आई वाज जस्ट किडिंग।
वॉलीबॉल इस सुलिए में जरा मुश्किल हो जाएगी नहीं? Exactly. अब तो वॉलीबॉल ही खेलेंगे। अर्शद भाई, आप वॉलीबॉल का नेट लगवाएं, हम अभी आते हैं। ओके। अर्शद भाई फिर हम भी अभी आते हैं। यार ये लेफ्ट साइड से नेट थोड़ा नीचे नहीं है। अर्शद ये लेफ्ट साइड से जरा नेट ऊपर करो। ओके ब्रो। तू तो ऐसे नेट ठीक करवा रहा है जैसे बड़ा टफ कंपटीशन होने लगा। देख लेना वो आएंगी नहीं। हीरो क्या ये तो सीरियस हो गई? मुझे भी ये लग रहा है। चेक कर। It's gonna be fun. So, are you guys ready? Always. Toss ho jaye? Ho jaye. Heads. Heads. Let's see. Okay, you take the far and we'll take the sir. Sure. All the best. Come on, bro. Come on. Zuri baby, well done. Ah. Koi baat nahi, bro. Yaar, ye tu kya kar raha hai yaar? Yaar, ye meri planning ka hissa hai. Relax. Tu rakh apni planning apne paas aur sahi tarike se kar. Aaye, aaye. Koi baat nahi, bro. ये ब्रो ब्रो बहुत है वो। ओह कम ऑन ब्रो 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 बहुत है वो। गेट रेडी। ब्रो गुड ट्राई गुड ट्राई गुड ट्राई। ओए ये तो बाहर चली गई। बॉय लूज यू लूज बॉयज ब्रिंग इट ऑन। We'll get it. You lose. इधर मैं तुझे बताता हूँ तू गलत ही क्या कर रहा है। यार तू अपनी गेम कर यार। Boys, you lose. अच्छा चल मैं भी आता हूँ। Look at this lady. Nice sprint, ma'am. यार तू उनको इतनी आसानी से पॉइंट्स क्यों दे रहा है? ये मेरी स्ट्रैटेजी है ब्रो। जितना ज्यादा खेलेंगे उतना ज्यादा हम उनके करीब आएंगे। क्लोज फिनिश। एक दफा बड़े मार्जिन से हरा दिया ना वो भाग भी सकती हैं और ये तो हम दोनों बिल्कुल भी नहीं चाहते। चल अंदर वो चली ना गई हो कहीं। पॉइंट। मुन्नी आपा। हेलो मैम। ये सब क्या हो रहा है? मुनिया पर वो हम वॉलीबॉल क्यों? बैडमिंटन क्यों नहीं? क्योंकि बैडमिंटन में चाहिए होता है स्पीड और स्टेमिना जो पाकिस्तानी विमेन के लिए जरा मुश्किल हो जाता है। अर्शद जी मुनिया पर अंदर से जाकर रैकेट्स लेकर आओ। आज मेरा इन दोनों के साथ बैडमिंटन का मैच होगा। यू मीन यू वर्सेस अस? यस यू टू वर्सेस आई। Bro, don't take her seriously, हाँ? अगर तुम दोनों जीत गए तो रात का डिनर मेरी तरफ से और अगर तुम लोग हार गए तो मेरे ये कपड़े साबुन लगाकर धो धो कर साफ करोगे तुम। The lady has gone completely crazy. All right, girls, get ready for the dinner, हाँ? अर्शद तुम यही खड़े हो जल्दी से लेकर आओ रैकेट। मुन्नी यहाँ पर रॉकेट तो मैं लाया हूँ ये पड़े। जल्दी दो
अभी देखती हूँ। ए, मुन्नी आपा, ये मुन्नी। मुन्नी आपा, ये मुन्नी आपा। ब्रोज क्या हो? बॉयज ब्रोज, तेरी शॉट थी यार। मुन्नी आपा से नहीं जीत सकते तुम ब्रोज। मुन्नी आपा साबुन मंगवा ले। मुन्नी आपा ब्रोज जीरो, ब्रोज जीरो जीरो। यार तुझे किसने कहा था कि मुन्नी आपा से शर्त लगा यार? ब्रो मेरी प्रोबेबिलिटी के मुताबिक यहाँ लॉन्ड्री शॉप होनी चाहिए थी। यार तेरी प्रोबेबिलिटी ना मरवाएगी किसी दिन। ब्रो ये मुन्नी आपा का क्या करना है? क्यों क्या हुआ? क्या हुआ जो उन्होंने हमारे साथ कर छोड़ी उसके बाद कुछ रह जाता है बाकी? यार वैसे हुई तो हमारे साथ बहुत बुरी है यार, लेकिन वैसे जैक मुझे वो अच्छी खातून लगी है। आई थिंक शी इज अ स्वीट लेडी। लेकिन मेरी प्रोबेबिलिटी कुछ और कहती है। क्या? सी वो एक मिडिल एज वुमन है और मेरी प्रोबेबिलिटी के मुताबिक ऐसी लेडीज जिनकी इस उम्र में भी शादी नहीं होती वो बहुत चिड़चिड़ी और गुस्सीली हो जाती हैं। ऊपर से टीचर, वो अपना गुस्सा और चिड़चिड़ापन मुख्तलिफ तरीकों से दूसरों पर निकालती हैं। अब सारी जिंदगी चूंकि अकेली रहती हैं इसलिए किसी की खुशी देखी नहीं जाती। छोटी छोटी बात पर गुस्सा होना खतरनाक भी हो सकती हैं, इसलिए फासला जरूरी है। तू रख अपनी प्रोबेबिलिटी अपने पास यार, मुझे तो उनमें ऐसी कोई बात नहीं लगी। शी लुक्स लाइक अ लवली लेडी। क्या मैंने कुछ गलत कहा? मुशर्रफ भाई मेरा तो ख्याल था कि जाफर और मुबारक ने अपने बच्चों को अकल तमीज सिखाई होगी, लेकिन ये तो बिल्कुल ही पैदल है। ये बाहर के जो पले बड़े होते हैं ना बच्चे इसी तरह होते हैं। खामखा ऐसे होते हैं? वो शायदा का नवासा देखा था ना पिछले साल अमेरिका से आया था, इतना कल्चर्ड लड़का मैंने जिंदगी में नहीं देखा। बात जगह की नहीं होती, ट्रेनिंग की होती है। और ट्रेनिंग इनकी किसने करनी थी? माएं तो इनको छोटे होते ही छोड़ के चली गई थी। तो किसने मत दी थी कि खानदान से बाहर शादियां करें? वो चिट्टी चमड़ी, कहते हैं चिट्टी चुड़ैल हो ना उसकी भी कशिश होती है, तो जवान औरतें थी। छोड़ो, हमारा टूर कैसा रहा? टूर थोड़ा ही था, वो टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप थी, बस ठीक रही। अच्छा अब देखें, आप बात को मत बदलें। मैंने आपसे जूनी के बारे में कहा था, लड़कियों की जितनी जल्दी शादी कर दी जाए अच्छी होती है, बस अब आप उसकी शादी कर दें। मैंने इनकार किया? सारा कुछ तुम्हारे सामने है मुन्नी, हैं? बस अब पीर साईं के यहाँ जाएंगे, वहीं फैसला होगा, जो वो कहेंगे वही मुझे मंजूर है। ठीक है, सेब काट के दूं आपको? काटो, कभी हमने इनकार किया? एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा, एक्सीडेंट हो गया। सुनिए आप बहुत खूबसूरत हैं, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी? तुम लोगों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? सजन पास बुलाओ ना। ओए
क्या बदतमीजी हो रही है? ये मम्मी डैडी लड़का कहाँ से आ गया? ऐसी खूबसूरत लड़की के लिए तो कोई भी कहीं से भी आ जाता है, क्या हम लोग नहीं आए? जोनी तुम जरा मेरे पीछे आ जाओ, ये जितने दांत निकल रहे हैं ना तुम लोगों के, ये सब बाहर आ जाएंगे। ए, क्या तुम दांत निकालते हो? ये दाईं तरफ का दांत 3 दिन से तंग कर रहा है, ये निकाल सकते हो? मैं कहता हूँ दफा हो जाओ तुम सब यहाँ से। यारो हम चार, ये अकेला, इसको इतनी बात समझ में नहीं आती। मुझे लग रहा है इसकी गिनती भी तुम्हारी तरह सही है। चले, मुझे भी कोई बताए कि मेरा क्या करना है। आपको मंजिल के करीब पहुंचने के लिए ये जाहिर करना है कि आपका ये कंधा उतर चुका है। एक्शन इतना माइंड ब्लोइंग था ना सैम, तुम भी वहां होती तो सब भूल जाती। मैं और जैक फाइट खत्म होते ही आ गए। वैसे हैरत की बात है, जैक को भी ख्याल नहीं आया। एक हफ्ते का कंप्लीट बेड रेस्ट बोला डॉक्टर ने। तो फिर तो तुम हमारे साथ नहीं जा सकते। नहीं जा सकता। नहीं नहीं अंकल, वो हफ्ते के बाद चले जाते हैं ना। नहीं, 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 नहीं।